तो मूवी की शुरुआत होती है हमारे डॉनली भाई से, जो अमेरिका के एक क्लब में बॉडीगार्ड की जॉब करता था। एक दिन उसके दोस्त किम ने डॉन को आर्म रेसलिंग मैच के लिए बुलाया। पहले तो डॉन मना करने लगा, लेकिन किम ने मम्मी कसम देकर डॉन को मना लिया। अब ये दोनों क्लब की दूसरी साइड पहुंचे, जहां लोग अपने पहलवान पर शर्त लगा रहे थे, लेकिन डॉन पर पैसे लगाने के नाम पर सब हंसने लगे। डॉन का मैच इस अमूल माचो से होने वाला था। अब मैच शुरू हुआ, जहां अमूल माचो ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन डॉन ने एक बार में अमूल माचो से इसे रूपा बना दिया। ये देखकर किम बहुत खुश हुआ, क्योंकि ये सारे पैसे अब उसके हो चुके थे। लेकिन तभी ये हारा हुआ बाजीगर अपनी हार मानने से मना करने लगा, जिस वजह से डॉन और कुछ लोगों के बीच लड़ाई हो गई। ये देखकर क्लब के मालिक ने डॉन को चाटा मार के जॉब से निकाल दिया। चाटा कैसे मारा चमन? अब डॉन की बॉडी की वजह से उसे एक मॉल में सिक्योरिटी की जॉब मिल गई, जहां वो बहुत सिंपल सी लाइफ जी रहा था। एक दिन किम ने डॉन को कॉल करके कहा कि तुम कोरिया आ जाओ, क्योंकि यहाँ एक आर्म रेसलिंग का कंपटीशन होने वाला है और जीतने वाले को इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका मिलेगा। ये सुनकर डॉन खड़ा हुआ और अपने मेडल्स को देखते हुए जिंदगी की नई शुरुआत करने निकल गया। यहाँ से डॉन कोरिया में पहुंचा, जहाँ उसे किम अपनी सस्ती टार्जन से लेने आया। यही हमें पता चला कि अमेरिका में रहने की वजह से डॉन की कोरियन लैंग्वेज को जंग लग गया था। अब यहाँ से एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहाँ खाने के बीच किम के दूर के रिश्तेदार आ गए। डॉन ने छोटी बच्ची की जगह इस आदमी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सदा स्वागत रहो। ये देखते ही रिश्तेदार यहाँ से भाग गए। खैर, अब किम ने बताया कि वो रेसलिंग में डॉन का एजेंट बनना चाहता है, जिससे वो थोड़ा पैसा कमा सके और उसी पैसे से वो डॉन का खर्चा भी उठा लेगा। खाने के बाद किम डॉन को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया। उन्होंने वो पूरा दिन इधर उधर घूमा और रात को एक क्लब में पहुंचे, जहां डॉन एक बाउंसर की तरह खड़ा हो गया। तभी एक लड़की ने उससे पूछा कि भैया वॉशरूम कहाँ है? यही है जी, मैं भी यही गया था अभी। खैर, क्लब से निकलकर कार में किम ने डॉन से पूछा कि क्या तुमने कभी अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश नहीं करी? तब हमें पता चला कि बचपन में ही डॉन को उसकी माँ ने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। डॉन ने साफ मना कर दिया। अब किम डॉन को एक होटल के बाहर छोड़कर वहाँ से चला गया। जब डॉन रूम में पहुँचा तो उसे वहाँ एक गिफ्ट मिला, जिसमें उसकी असली माँ की लोकेशन सेव करी हुई थी। ये देखकर डॉन वहीं बेड पर लेट गया और टीवी चलाने लगा। लेकिन ये क्या, डांसिंग कार के बाद डांसिंग बेड भी आने लगे? दूसरी तरफ किम एक यू नाम के मिलियनर से मिलने पहुंचा। असल में वो चाहता था कि डॉन पर यू अपना पैसा लगाए। यू ने किम से हाथ मिलाने की जगह उसके दोनों पैर ही मिला दिए, लेकिन डॉन की वीडियो देखकर यू पैसा लगाने के लिए तैयार हो गया। पर उसकी ये शर्त थी कि डॉन को उसके कहने पर ही मैच को जीतना या हारना होगा। इस बात के लिए भी किम मान गया। अगली सुबह डॉन उस फोन के हिसाब से अपनी माँ की लोकेशन पर पहुंचा, जहाँ ये दो बच्चे मीना और सीना आ गए। डॉन की बॉडी देखकर उन्हें लगा कि ये टीवी वाला सुपर हीरो असली में कैसे आ गया। तभी डॉन को किम का फोन आया और वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद दोनों बच्चों ने अपनी माँ सुजिन को बताया कि गेट पर कोई हट्टा कट्टा आदमी आया था। सुजिन ने भी डॉन को जाते हुए देख लिया। अब यहाँ से डॉन किम के पास पहुंचा, फिर किम डॉन को उसके स्पॉन्सर यू से मिलवाने के लिए लेके आया। यहाँ सुजिन का अपना एक कपड़ों का स्टोर था, जिसकी मार्केट बहुत डाउन चल रही थी। तभी सुजिन ने देखा कि वो घर पर आया हट्टा कट्टा आदमी यू के साथ कहीं जा रहा था, और वो यू को इसलिए जानती थी क्योंकि उसने यू से काफी पैसे उधार ले रखे थे। अब यहाँ ऊपर क्लब में डॉन के ऊपर पैसा लगने लगा, लेकिन उसके आगे कोई टिक ही नहीं पा रहा था, जिससे खुश होकर यू के बॉस चैंग ने डॉन को 5 सितारा होटल में रहने के लिए रूम दिया। खुशी देख रहे हो? तभी किम को यू का मैसेज आया कि कल के मैच में डॉन को पहला राउंड तो जीतना है, लेकिन दूसरा राउंड उसे हारना ही होगा। ये जानकर किम डर गया कि अब डॉन को हारने के लिए कैसे मनाए।
लेकिन जब वो दोनों डिनर कर रहे थे तब इस बात के लिए डॉन आसानी से मान गया। अगली सुबह सुजिन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी कि तभी उसने एक मिठाई का डिब्बा निकाला जिसमें कुछ पुरानी फोटोज थी। उन फोटो में छोटा डॉन अपनी माँ के साथ खड़ा था। बाहर ये दोनों बच्चे फिर से डॉन से टकराए जिससे मीना तो खुश हो गई, लेकिन सीना बोला, अंकल अगर आप दोबारा मेरे घर के आसपास दिखे तो मैं एंटी पुलिस को बुला लूंगा। यहाँ से सीन कोरिया के नंबर वन आर्म रेसलर कॉम्बो पर आया जिसे यू ने फोन करके शाम को अपने क्लब में बुला लिया ताकि डॉन पर मोटा पैसा लगाने से पहले वो उसकी पावर और अच्छे से देख पाए। अब शाम को रेसलिंग मैच शुरू हुआ जहाँ सबसे पहले डॉन से भिड़ने ये 7 फुट का आदमी आया, लेकिन डॉन ने 7 फुट को 7 फुटिया बनाने में ज्यादा देर नहीं लगाई। तभी सुजिन भी वहाँ अपना वो मिठाई वाला डिब्बा लेके पहुँच गई जिसके साथ यू बदतमीजी करने लगा क्योंकि उसे सुजिन से अपना कर्ज अभी तक नहीं मिला था। ये देखकर डॉन को गुस्सा आया और प्लानिंग के हिसाब से जो मैच उसे हारना था वो जानबूझकर उस मैच को भी जीत गया ताकि यू का लॉस हो जाए। ये देखकर यू को बहुत गुस्सा आया और किम डॉन को समझाने लगा कि वो हमारा स्पॉन्सर है इसलिए जैसा वो कहेगा हमें वैसा ही करना होगा। किम समझ गया कि ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है इसलिए वो सुजिन के स्टोर पर जाकर भड़कने लगा, लेकिन तभी उस पर किसी ने ये बैक फेंक कर मारा। असल में ये यू और उसके आदमी ही थे जो किम से अपना लॉस वसूल करने आए थे, पर तभी वहाँ डॉन पहुंच गया और फिर तो छोटी छतरी साइड में हट जा। उनका ऑपरेशन करके डॉन यू का भी ट्रीटमेंट करता कि इतने में वहाँ पुलिस पहुंच गई जो कि मारामारी करने के जुर्म में डॉन और किम को पुलिस स्टेशन में ले गई। पुलिस ने डॉन को छोड़ने के लिए उसका पासपोर्ट मांगा लेकिन डॉन का पासपोर्ट उसकी पहली फाइट में ही खो गया था। तभी वहाँ सुजिन अपने बच्चों के साथ पहुंच गई और ऑफिसर से बोली कि मैं डॉन की स्टेप सिस्टर हूँ। उसने पुलिस को डॉन की बचपन की फोटो भी दिखाई और बताया कि ये मेरा भाई है और हमारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर डॉन बहुत उदास हो गया, लेकिन इसके बाद पुलिस ने डॉन को छोड़ दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सुजिन से कैसे बात करे, पर सुजिन ने उसे अपने घर पर रहने के लिए बुला लिया। बच्चे डॉन के घर पर रहने से बहुत खुश थे। सीना ने डॉन को गेट खोलने के लिए कहा और डॉन ने भी अपनी तरह से गेट खोल दिया। कुछ भी कहो लेकिन अब घर में खुशी का माहौल बन चुका था। तभी यहाँ घर के बाहर ये 3 छपरी सुट्टा फूंक रहे थे जिनको सुजिन भगाने लगी, पर जब डॉन वहाँ आया तो वो खुद दुम दबा के वहाँ से भाग गए। अंदर इन बच्चों को डॉन का ये मेडल मिला जिसको इन्होंने अपने ही पास रख लिया। डॉन सुजिन पर बोझ नहीं बनना चाहता था इसलिए वो वहाँ से अपना सारा सामान लेके जाने लगा, पर तभी उसे दो गुंडे दिखे जो सुजिन से यू का पैसा वसूल करने जा रहे थे। डॉन ने उन दोनों को वहाँ से भगा दिया। तभी इन बच्चों ने डॉन से कहा कि हमें भूख लग रही है। डॉन को भी रियलाइज हुआ कि यू के आदमी सुजिन को परेशान करते रहेंगे इसलिए उसे सुजिन और बच्चों का ध्यान रखना होगा। अब ये एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगे। डॉन घर को भी साफ करके और खाना पीना बनाकर सुजिन की मदद करने लगा, लेकिन इन सब में किम को पैसों की दिक्कत हो रही थी इसलिए उसने अपने एक न्यूज रिपोर्टर दोस्त को कॉल करी जिससे वो डॉन के ऊपर एक इंस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट्री बना सके, जिसके लिए उसने डॉन को भी जैसे तैसे मना लिया। अगली सुबह डॉन अपनी पूरी फैमिली के साथ बाहर घूमने के लिए निकल गया जहाँ बीच साइड पर कोरियन रेसलर कॉम्बो चैरिटी के लिए लड़ रहा था। डॉन ने मौका देखकर कॉम्बो को चैलेंज कर दिया। तभी हमें पता चला कि यहाँ किम का वो रिपोर्टर दोस्त ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। डॉन ने भी कॉम्बो को चुटकी बजा के हरा दिया जिससे सारे लोग वहाँ हैरान हो गए। अब कुछ हफ्तों में ही डॉन की आर्म रेसलिंग जर्नी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर तैयार हुई जिससे ऑडियंस का बहुत सारा प्यार भी मिला। अब बच्चे डॉन के और भी ज्यादा करीब आ चुके थे। एक दिन स्कूल जाते वक्त एक बच्चे ने डॉन को गोरिल्ला बोल दिया जिससे गुस्सा होकर मीना कुमारी ने जवाब दिया कि अबे डोरेमोन की 4th कॉपी मेरे अंकल एक चैंपियन है। ये कहकर उसने डॉन से प्रॉमिस लिया कि वो जल्दी से मीना के लिए नेशनल चैंपियनशिप जीतेगा।
यहाँ से सीन किम के डैड पर आया जो बेचारे काफी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन अपनी जिंदगी का गुजारा करने के लिए उन्हें अभी भी काम करना पड़ रहा था, और इसी वजह से हमेशा किम को भारी मात्रा में पैसे चाहिए होते हैं ताकि वो अपने पापा को घर पर आराम करा सके। यहाँ डॉन जब घर आया तो सीना ने उसे बताया कि नानी हमेशा आपको बहुत सारे ईमेल्स भेजा करती थी, लेकिन वो ईमेल आईडी डॉन की थी ही नहीं। उस ईमेल में यही लिखा था कि उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है, शायद वो मरते दम तक भी खुद को माफ ना कर पाए। साथ ही सुजिन उनकी बेटी नहीं बल्कि मुंह बोली बेटी है जो डॉन की माँ का बहुत ध्यान रखा करती थी। अगले दिन ये सभी डॉन की मॉम की कब्र पर पहुंचे, जहाँ सुजिन ने डॉन को बताया कि माँ अपनी आखिरी सांस लेते हुए भी तुम्हें याद कर रही थी और वो तुमसे अपने किए की माफी मांगना चाहती थी। तब डॉन ने सुजिन से कहा कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी बहन हो ही नहीं। सुजिन बोली कि मैं बस बताने वाली। तब डॉन बोला कि मुझे लगा मुझे एक परिवार मिल गया है, लेकिन मैं गलत था। ये कहकर वो वहां से जाने लगा। तभी किम भी उसे रोकने आया, पर डॉन गुस्से में बोला कि तुम तो रहने ही दो यार, तुमने बस हमेशा मेरी पावर से खुद का फायदा कैसे हो बस यही सोचा है। यहाँ से सीन यू पर आया जिसने चैंपियनशिप के लिए एक बड़े डेंजरस रेसलर बोंग को हायर कर लिया। बोंग अपने अपोनेंट को हराने के साथ साथ उसका हाथ भी तोड़ देता था। खुद की पावर बढ़ाने के लिए बोंग ने ड्रग्स का भी काफी यूज किया था। चैंपियनशिप के लिए डॉन भी अपनी पूरी जान लगाने लगा। आखिरकार वो चैंपियनशिप का दिन आ ही गया। यहाँ घर पर बच्चों को याद आया कि उन्होंने डॉन का वो मेडल वापस दिया ही नहीं, इसलिए वो दोनों डॉन का मेडल वापस करने चैंपियनशिप में चले गए, जहाँ सुजिन के एक दोस्त ने फोन करके बताया कि तुम्हारे बच्चे यहाँ स्टेडियम के बाहर खड़े हैं। सुजिन भी जल्दी से अपने बच्चों को लेने के लिए स्टोर से निकल गई। अंदर चैंपियनशिप स्टार्ट हुई, जहाँ डॉन, बोंग और कॉम्बो तीनों दूसरे रेसलर से लड़ते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे। डॉन की पावर देखकर सारे लोग हैरान थे। साथ में यू का बॉस चैंग भी ये सोचकर डर में था कि कहीं डॉन बोंग को भी ना हरा दे, इसलिए उसने किम को $2 मिलियन दिए ताकि डॉन सेमीफाइनल में ही हार जाए। जब ये बात किम ने डॉन से कही तो इस बार डॉन ने हारने से साफ मना कर दिया, क्योंकि अब वो खुद को प्रूफ करना चाहता था। ये सुनकर किम को थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि उस पैसे से वो अपना सारा कर्जा उतार सकता था। अब ये बच्चे भी डॉन का सेमीफाइनल मैच देखने लगे। डॉन ने दोबारा कॉम्बो को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली। डॉन के जीतते ही यू के आदमी किम को मारने लगे, लेकिन डॉन ने वहां पहुंचकर किम को बचा लिया। ये देखकर किम बोला कि डॉन अब तुम्हें जीतना ही होगा मेरे दोस्त, मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ फाइनल मैच भी शुरू हुआ जिसमें डॉन का मुकाबला बोंग से होने वाला था। मैच शुरू हुआ जिसमें बोंग ने जानबूझकर डॉन के अंगूठे को नुकसान पहुंचाया ताकि उसके पूरे हाथ की पावर कम हो जाए। ये मैच देखते हुए डॉन की फैमिली भी उसके लिए चेयर कर रही थी। डॉन हारने वाला था, लेकिन तभी उसने अपने परिवार, दोस्त, सबका प्यार और सबका साथ याद किया और फिर अपनी पूरी ताकत लगा के उसने बोंग को भी हरा दिया, जिससे देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम गया कि आखिर ईमानदारी की जीत हुई। डॉन अपनी फैमिली, दोस्तों के गले लगा और बहुत खुश हुआ। आखिर में उसने टीवी पर कहा कि माँ, शायद मैंने यहाँ तक पहुँचने में बहुत देर कर दी, लेकिन आपकी वजह से ही मुझे एक नया परिवार मिला और मैं आपको बहुत याद करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।